रविवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छतरपुर के पन्ना रोड पर स्थित लॉ कैपिटल होटल में शिशु सुरक्षा पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ग्वालियर से आए विद्वान प्रशिक्षकों के द्वारा छतरपुर के 40 प्रसव केंद्रों से आए स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गईं। वरिष्ठ चिकित्सक और प्रोफेसर ए के रावत ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। कार्यक्रम में डॉक्टर अनंत केलकर, डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण गर्ग, डॉक्टर रवि अम्बे ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव देकर 40 प्रतिभागियों को जागरूक किया। इस दौरान CMHO डॉक्टर लखन तिवारी, जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर GL अहिरवार, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश प्रजापति और एन के बरुआ भी मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण की ये हमारा जो भारतीय शिशु अकादमी है और नवजात शिशुओं की जो राष्ट्रीय संस्था है उसके माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में हम नवजात शिशुओं को जन्म के समय में देखभाल में क्या विशेष बातें ध्यान में रखने की हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शासन की ये नीति भी है कि प्रसव के समय एक व्यक्ति वहाँ पर ऐसा होना चाहिए जो शिशु की देखभाल करने के लिए ट्रेंड हो। कम से कम बैग एंड मास्क से वेंटिलेट करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो जन्म के एक मिनट के अंदर अंदर उसको बैग एंड मास्क से श्वास सहायता उसको दी जा सके। देखिए, आज हमारे ये ला कैपिटल होटल में छतरपुर में नवजात शिशु मृत्यु दर को कमी लाने के लिए ये IAP द्वारा, इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक के द्वारा यहाँ पे एक नवजात पुनर्जीवन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने जो अब हमारे छतरपुर के पेरीफेरी हैं यहाँ से लगभग कम से कम 40 स्टाफ को यहाँ पे बुलाया है जो कि डिलीवरी कराती हैं और उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके अंतर्गत नवजात को किस तरह से जन्म के बाद उसका पुनर्जीवन करना जरूरी है उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है।